हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल औरंगी पर। मैं आनंद सिंह और मेरे टीम और फैमिली लोग सब लोग आए हुए हैं कराए, जो कि लसुन्ना कराए है, मसौरी में आता है, जो कि पुनपुन नदी के तट पे गांव है कराए, वहां में हम लोग आए हुए हैं छठ पूजा करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहां क्या कैसे है जो, और बताते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और कहां से क्या स्टार्ट होता है, क्या कैसे होता है जो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो फोटो देख रहे हैं ये नहाय खाय का है, जहाँ से स्टार्ट होता है, और नहाय खाय के अगले ही दिन दिन भर उपवास करके शाम में लोहर किया जाता है, जो कि प्रसाद बांटा जाता है और खाया जाता है। और ये जो है जो 36 घंटा का निर्जला उपवास रखना पड़ता है, जो कि छठ में संतान की लंबी आयु की कामना करने के लिए करते हुए और फिर भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आए हुए हैं कराए में, तो चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये कराए क्या है जो कि पुनपुन नदी के तट पे कराए गांव है, जो मैंने आपको बताया दिया वहीं का है। तो दोस्तों जब मैंने पहला बार यहाँ गया तो मैं तो पूरा शॉक्ड हो गया कि भैया कि गांव साइड भी इतना भीड़ होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शाम होने ही वाला है, सूर्य भगवान अब अस्त होने ही वाले हैं, उससे पहले हम लोग शाम का अर्घ देने आए हुए हैं। तो हम लोग शाम का अर्घ देते हैं और दिखाते हैं आपको वीडियो फोटो जो भी है हमारे पास क्लिप है। देखिए ये हम लोग अब अर्घ देने के लिए, हमारी बहन है जो दीदी को मतलब पूजा करने के लिए ये कर रही है, जो भी उनका विधि विधान होता है, और उसके बाद अर्घ देंगे दीदी। अरे वो सब तो ठीक है, अब ये ना बताइए कि ये चैत पर्व इतना महापर्व है बिहार का, क्यों मनाया जाता है वो तो बता दीजिए। अरे रुको ना, बताते ना है, तुम तो और उबियाने लगती है। तो चलिए सुनिए, सुनाते हैं आपको भी। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप बिहारी हो और आप कहीं जाते हो तो आपको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, पहले नहीं जाता था, अब तो मिल जाता अच्छा खासा, बट पहले ऐसा नहीं होता था। दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो भी इतिहास हो बिहार से ही जुड़ा हुआ है, और ये छठ महापर्व है ये भी। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे ना, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था, इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। इसीलिए छठ के मौके पे सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है, निसंतान महिलाएं अगर यह पूजा करती है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब ये देख रहे हैं आप, ये फोटो देख रहे हैं, हम लोग आ गए हैं उसके कल होकर सुबह का अर्घ देने के लिए। तो देख सकते हैं हम लोग रात में ही आ गए हैं, क्योंकि मतलब वहाँ आकर थोड़ा उनका इंतज़ार किया जाता है, ऐसा मतलब हम लोग को बताया जाता है, हम लोग दादी नानी बताते हैं, और हम लोग ऐसा पूजा करते हैं कि उनका आके इंतज़ार किया जाता है सूर्य भगवान का। जी सुन रहे हैं कितना भीड़ है, देख रहे हैं आप, बोलते थे कर आए हम जा रहे हैं पहला बार, तो पता ना वहाँ कैसे क्या है जो, देखिए कितना भीड़ है जो। अरे तुम ना एकदम पागल है, हम कभी कराए आए ही नहीं तो हमको कैसे पता रहेगा। दोस्त लोग आप ही बताइए, हम कभी कराए आए ही नहीं आज के पहले, तुमको कैसे पता रहेगा क्या कहाँ कितना भीड़ रहता है नहीं रहता है जो। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये कराए में जो पुनपुन नदी में ये लोग पूजा कर रहे हैं, और ये पुनपुन नदी है जो आगे जाकर गंगा नदी में ही गिरती है, मतलब कि ये गंगा नदी का ब्रांच नदी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बच्चा लोग कितना मस्ती कर रहा है यहाँ, और बच्चा छोड़िए यहाँ तक कि मैं सोनू सभी लोग यहाँ फुल एंजॉयमेंट किए हैं, सिर्फ सन्नी भैया ने नहीं किया और हमारा एक गुलशन भाई है उसने नहीं किया, बाकी सब लोग फुल एंजॉयमेंट किए, पानी में नहाए सब लोग भी। देखिए सन्नी भैया उधर खड़े हैं अभी, और इधर हम लोग फुल्ली मतलब आए हैं, पहला बार आए हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ जो, और ये बहुत ही मतलब बहुत ही यादगार मेरे लिए है ये। Thank you.
अरे ये भी बताइए कि क्या हो रहा है जो बता नहीं रहे हैं आपको। तो दोस्तों पूजा करने के बाद मतलब भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद दीदी हैं जो हुमाद करते हैं और जो भी व्रतीय लोग हैं जो भी व्रत करते हैं वो लोग हुमाद करते हैं और जो भी मतलब जो व्रत करते हैं वो लोग हुमाद करते हैं। उसके बाद हम लोग भी हुमाद करते हैं जो नहाए हुए रहते हैं। जी आप छोड़िए हम ही बताते हैं ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है तुम ही बताओ ठीक खुश रहो लेकिन बताओ तुम। अब तो मैं बता दूं आपको कि ये जो हुमाद होता है हुमाद होने के बाद है जो जो ही व्रत किए हुए लोग रहते हैं और बाकी लोग भी शरबत पीते हैं और उसके बाद प्रसाद खाते हैं और प्रसाद खाने के बाद उसके बाद सबको बांटा जाता है। तो देखिए ये लोग प्रसाद लेने के लिए आए हुए सब लोग। तो दोस्तों ये हमारा भाई सोनू है इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। ये हमारा भुक्कर दोस्त है जो हर ब्लॉग में रहता है आप लोग इसको देखकर ही पहचान गए होंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ से प्रसाद खाएं और प्रसाद खा के यूं यहाँ से निकलने ही वाले हैं तो यहाँ से निकल गए हैं हम लोग अब। अरे आप लोग देख रहे हैं ना घाट तो घाट है यहाँ ये लोग रास्ता में ही पूरी मस्ती करते जा रहे हैं देख रहे हैं। सुधरेगा ये सोनू है ये अलग ही मोबाइल में लगा हुआ रहता है पता ना क्या करते रहता है दिन रात मोबाइल करता है। तो दोस्तों ये छठ महापर्व जो कि बिहार का ही नहीं सिर्फ बल्कि इंडिया का बल्कि पूरा वर्ल्ड में अब हो रहा है ये धीरे धीरे सब जगह। तो दोस्तों यहाँ हम लोग अब छठ पर्व का समापन होने वाला है ये लोग खरना कर रहे हैं और ये लोग अपना उपवास जो तोड़ लिए यहीं पे। हमारे दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यहाँ कराए आएँ और वहाँ भी आकर छठ पूजा करें। यहाँ पुनपुन नदी है जो गंगा नदी का ब्रांच नदी आप बोल सकते हैं इसको।